हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाजपुर कोतवाली में डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने पुलिस कर्मचारियों से वार्ता की और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। आपको बता दें कि डीआईजी नीलेश आनंद भरने बाजपुर कोतवाली पहुंचे, जहां डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कोतवाली और पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर नाराजगी व्यक्त की और सभी कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने सभी कर्मचारियों से चेकिंग में मुस्तैद रहने और लोगों से संपर्क बढ़ाने की बात कही। इस दौरान डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने वाहनों पर काली फिल्म लगाकर चलने वाले लोगों की चेकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी बेहतर कार्य करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाजपुर से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। नहीं कुछ नहीं, ये तो हमारा रूटीन मामला है सिपाहियों को ब्रीफिंग कराना। बाजपुर में जो है मेरे द्वारा पिछले जो है हम लोग जो अधिकारी है इनके इन्होंने हमने नॉलेज में आया है कि कई बार जो है बाहर से यहाँ आके जो है इस तरह जो है कई लोग घूमते हुए संदिग्ध नज़र पाते। हमारा सत्यापन अभियान भी चल रहा है, तो इसमें कोई अगर काली फिल्म लगा के गाड़ियाँ घूम रही है तो इनको मेरे द्वारा जो है चेकिंग के निर्देश दिए गए कि जो है आप अलर्ट रहे और जो है लगातार इस तरह से जो गाड़ियाँ घूमती है काली फिल्म लगा के, तो उनको जो है जो कोई भी संदिग्ध दिखता है तो इनकी चेकिंग करें और जो पुलिस का काम है आप अलर्ट रहे और जो है वो सर नाराजगी होता है। नहीं, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है सिपाहियों को जो है वो ब्रीफ कराना, उनके कार्य के प्रति जो है सचेत कराना, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है कि ताकि सिपाही जो है अपना जो बेहतर कार्य करे और ये जो अच्छा कार्य करेगा वो मेरे द्वारा कहा गया है कि उनको जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा और जो अच्छा कार्य नहीं करेगा उनको दंडित भी किया जाएगा, ये स्पष्ट निर्देश सिपाही को दिए गए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।